हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड टू ए सिंपल लीगल राइट। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट में से जो है किस राइट को हटाकर उसे एक लीगल राइट जो है वो बना दिया गया। तो किस राइट को हटाया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 44th अमेंडमेंट से। ओके, और अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या है ये? एक लीगल राइट है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य के अंडर नहीं आता है, जो वो बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, तो बिल्कुल सही है ये भी। टू प्रमोट हारमोनी, टू प्रमोट हारमोनी मतलब क्या कहते हैं उसे, सद्भावना जो होती है ना, एकता अखंडता, उसे बनाए रखना, सद्भावना को बढ़ावा देना, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है क्या, एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, ये एक फंडामेंटल राइट है, जो किस आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 91A में, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बोलने की जो स्वतंत्रता है वो किस में है? 91A में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो है ऑप्शन डी। फिर देखिए, मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल के में है? तो ये है आर्टिकल 51A में। किस पार्ट में है ये पूछते हैं, तो पार्ट है इसका 4A, भाग 4A में है, ठीक है। सिर्फ भाग 4 की बात करें तो उसमें हमारे नीति निदेशक सिद्धांत, और इसी में जो है 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भाग 4A में। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकरप्टसी एंड इनसॉल्वेंसी इज लिस्टेड इन द लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बैंकरप्टसी एंड इनसॉल्वेंसी यानी कि दिवालियापन और दिवाला जो है वो किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट, कंक्रेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट, ये बताना है। तो देखिए, जो 7th शेड्यूल है, टोटल कितने शेड्यूल है पहले तो ये देख लीजिए, 12 शेड्यूल है, ठीक है, 12 जो है अनुसूचियां हैं। इसमें जो 7th शेड्यूल है, इसमें पावर को जो है 3 उनमें बांटा गया है, यूनियन में यानी कि संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और कंक्रेंट लिस्ट समवर्ती सूची, इन तीनों में बांटा गया है। तो ये बताना है कि जो दिवालियापन है और दिवाला है, बैंकरप्सी और इनसॉल्वेंसी है, वो किस लिस्ट में है? कंक्रेंट में है, यूनियन लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है? तो ये किसके अंडर आता है? कंक्रेंट लिस्ट में। ओके, दिवालियापन और दिवाला, ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि यूनियन लिस्ट में जो है कितने विषय हैं, स्टेट लिस्ट में कितने विषय हैं या कंकरेंट लिस्ट में कितने विषय हैं। तो यूनियन लिस्ट में देखिए, यूनियन लिस्ट में है 97 और स्टेट लिस्ट में है 66 और कंकरेंट लिस्ट में है 47, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए रिट ऑफ मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो, यानी कि किस रिट में जो कहा गया है कि जो ऑर्डर होती है वो जो बंदी बनाते हैं उनको ऑर्डर देती है कि जिसे बंदी बनाया गया है उसे जो है उनके सामने पेश किया जाए। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो जारी की जाती है, ठीक है। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जिसे ये लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, कि उसकी कोई गलती नहीं है फिर भी उसे बंदी बना लिया गया है, तब जो है न्यायालय ये रिट जारी करती है उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे बंदी बनाया, कि उन्हें उसके सामने जो है प्रेजेंट किया जाए। ओके, तो वो है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस को क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इज लिस्टेड इन द लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यही बताना है कि जो पब्लिक हेल्थ है यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, और हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी यानी कि वो क्या कहते हैं,
अस्पताल और जहाँ से दवाई वगैरह लेते हैं, औषधालय, वो किस लिस्ट के अंडर आते हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ग्लोबल या कंक्रेंट? तो देखिए, हेल्थ से रिलेटेड, सार्वजनिक स्वास्थ्य या स्वच्छता किसके अंडर आती है? ये स्टेट लिस्ट में, ठीक है? तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट? एलिमेंट्री एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो किस फंडामेंटल मतलब सॉरी किस अमेंडमेंट के तहत जो है फंडामेंटल राइट में जोड़ी गई थी, ये बताना है. तो 86 में संशोधन द्वारा जो है फंडामेंटल राइट में जोड़ी गई थी, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस राइट में जोड़ी गई थी? फंडामेंटल राइट 21A में. हमने 21वां पढ़ा था इससे पहले वाले जब क्वेश्चन किए, तो जो आर्टिकल 21 था उसमें क्या था कि इमरजेंसी के टाइम पर जो है आर्टिकल 21 को भंग नहीं किया जाए, मतलब भंग नहीं किया जा सकता. आर्टिकल 21 क्या था? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जीने का जो अधिकार था, तो उसे भंग नहीं किया जा सकता. तो इसी में जो है 86वें संशोधन द्वारा इसमें इस आर्टिकल में जो है जोड़ा गया था ये निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 21A करके, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? तो ये होते हैं जो विधानसभा होती है उसके चुने हुए सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इन विच वे द प्रेसिडेंट कैन असाइन एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि किसके मतलब किससे कंसल्टेशन करके या सलाह करके जो है प्रेसिडेंट जो भी फंक्शन है यूनियन गवर्नमेंट के उन्हें असाइन कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, किसके से कंसल्ट करके? गवर्नर से कंसल्ट करके, तो इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है. नेक्स्ट है, इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 विच वर्ड वॉज एडेड टू द प्रीमेबल? प्रीमेबल क्या होते हैं? प्रस्तावना. 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, तो ये भी याद रखिए 42nd जो अमेंडमेंट था उसमें जो है प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे. कौन कौन से थे वो 3 वर्ड, तो वो देख लेते हैं. सबसे पहला जो वर्ड जोड़ा गया था वो था समाजवादी. समाजवादी मीन्स सोशलिस्ट, ओके. सेकेंड था धर्मनिरपेक्ष. धर्मनिरपेक्ष होता है सेक्युलर. और जो थर्ड था वो था एकता और अखंडता, मींस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. तो ये 3 शब्द जो थे ये हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा, 1976 में हुआ था ये, ओके. तो ये वही दिया हुआ है सेक्युलर वर्ड. तो ये तीनों याद रखिए, कोई भी दे सकते हैं ऑप्शन में या तीनों ही दे सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू इक्विलिटी बिफोर लॉ? तो ये फंडामेंटल राइट देखिए कहां से कहां तक होते हैं. आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ओके. और राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, ये किसमें होता है? राइट टू इक्वेलिटी होता है 14 से 18 में, ओके. लेकिन यहां पे पूछा राइट टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये किसमें है? तो कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 14 में, ठीक है. आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत. आर्टिकल 17 पूछा जाता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किसमें है? आर्टिकल 17 में, ठीक है. और आर्टिकल 15 क्या है? धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा. और आर्टिकल 6 में जो है अवसर की समानता, यानी कि सभी को जो है पूर्ण रूप से अवसर दिए जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, ओके. आगे देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर मेंबर ऑफ, जो सीएम होते हैं स्टेट्स के वो किसके मेंबर्स होते हैं? तो वो मेंबर्स होते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, ओके. एनडीसी जो है ये 1952 में बनाई थी, 6 अगस्त 1952 को बनी थी. इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर. और इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं? जो स्टेट के सीएम होते हैं वो होते हैं, यानी कि सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स. यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं. इसके अलावा नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो भी, मतलब वो इसके भी सदस्य होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएन एंड मेंबर ऑफ नीति आयोग, ये सभी जो है इसके सदस्य होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज क्लोजली कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा नियंत्रक परिषद जो है वो किससे जो है जुड़े होते हैं? तो वो किससे जुड़े होते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी से,
तो ये सही होगा। अभी कौन है हमारे कैग कौन है अभी, मतलब कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कौन है अभी प्रेजेंट में, तो वो है राजीव महर्षि, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और चीफ जस्टिस पूछ सकते हैं, तो चीफ जस्टिस कौन है, रंजन गोगोई। कैग है राजीव महर्षि और चीफ जस्टिस है सीजेआई जो है वो है रंजन गोगोई। नेक्स्ट देखिए, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर टू रेजिग्नेशन टू द, जो स्पीकर होते हैं जो क्या कहते हैं उसे, अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो अगर उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देना हो तो वो किसे देगा, उप अध्यक्ष को, जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा, उसे जो है वो संबोधित करते हुए अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा। ओके, द टर्म ऑफ गवर्नर इज 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर 3 ईयर, तो टर्म होती है मतलब कितने साल का जो है कार्यकाल होता है गवर्नर का, 5 ईयर्स का। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, लोकसभा। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को जो है किस द्वारा हटा सकते हैं, महाभियोग द्वारा, और महाभियोग कौन चला सकता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों। ओके, तो राइट आंसर यहां पर आएगा पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबोर्डिनेट कोर्ट्स आर सुपरवाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट। ठीक है, तो सबोर्डिनेट कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन्हें कौन सुपरवाइज्ड करता है, ये पूछा गया है इसमें, तो उन्हें सुपरवाइज करता है हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय फाइनेंस कमीशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल इनकम को प्रिपेयर कौन करता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स, जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट करने के लिए, वो किस उसके अंडर आती है, ओरिजिनल जुडिशियल। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इफ ए बजट इज डिफीटेड इन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट देन द फाइनेंस मिनिस्टर अलोन हैज टू रिजाइन, द फाइनेंस मिनिस्टर कंसर्न्ड हैज टू बी सस्पेंडिंग, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, या री इलेक्शन हैव टू बी ऑर्डर्ड। अगर बजट इज डिफीटेड, ठीक है, अगर बजट को प्रस्तुत मतलब बजट नहीं प्रस्तुत करेंगे लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल में, विधान सभा में, तो क्या होगा, तो जो मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर, यानी कि सीएम और जितनी भी वो है उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उन सभी को जो है रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, बिगनिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 नीति आयोग प्लान टू रिप्लेस द 5 ईयर प्लान विद विच ऑफ द फॉलोइंग, 5 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, 10 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट, या 20 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। तो नीति आयोग ने 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजना है उन्हें किसके साथ रिप्लेस करने के लिए जो है वो रखा है, तो वो है 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, तो इनमें से कौन सा टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती है, वेल्थ टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स। तो इनमें से जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है वो है एंटरटेनमेंट टैक्स, बाकी के टैक्स जो है वो इसके पास जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, केंद्र सरकार। नेक्स्ट देखिए, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इंडियन सिटीजनशिप के भारत मतलब भारत को ये होने का हक कि आप भारतीय हैं, ये कौन देता है, ये देता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन मेड सो फार, 122, 120, 121, 119, तो कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, 122, और इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है किस नाम से, 101 अमेंडमेंट। ओके, 122 अमेंडमेंट या 101 अमेंडमेंट कौन सा है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इज, एनडीएमए का चेयरमैन कौन होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ डीआरडीओ, या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री जी। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट साइमल्टेनियसली, हु एक्ट एज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की ही जगह खाली है सेम टाइम पे,
तो कौन जो है मतलब उनकी जो भी राइट्स होंगे उनका पालन कौन करेगा, उनकी जगह कौन काम करेगा, तो वो करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे। चीफ जस्टिस कौन है? रंजन गोगोई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? सुमित्रा महाजन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या कौन है? राजीव महर्षि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा। यानी कि लोकसभा की जो स्पीकर होते हैं उन्हें कौन हटा सकता है? तो उन्हें हटा सकते हैं मतलब लोकसभा में ही रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा उसके द्वारा जो उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड डील विद? एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन, सेडिशन, क्राइम फॉर डिमांडिंग ड्यूरी, एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST। तो 124A में जो है किसके लिए है? ये सेडिशन के खिलाफ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन द फॉलोइंग आर्टिकल, आर्टिकल 368, आर्टिकल 345, आर्टिकल 351, आर्टिकल 333। यानी कि जो संविधान संशोधन होते हैं वो किस उसमें दिए गए हैं, किस आर्टिकल के तहत जो है हम वो कर सकते हैं? तो राइट आंसर आएगा आर्टिकल 368। ओके, नेक्स्ट देखिए, रागनी इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ कश्मीर, केरला, हरियाणा, मणिपुर। रागनी, रागनी जो है वो कहां पर गाई जाती है? हरियाणा में। तो राइट आंसर आएगा हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकसभा सेक्रेटरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्रेसिडेंट। तो लोकसभा सेक्रेटरिएट किसके अंडर में आई? स्पीकर ऑफ लोकसभा के। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव की जो वो थी वो किस एक्ट में थी? 1892 एक्ट, एक्ट ऑफ 1909, रिफॉर्म ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ये थी एक्ट ऑफ 1909, इसे मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, ये इसकी जगह कई बार मार्ली मिंटो एक्ट भी दे सकते हैं आपको, तो इसे मार्ली मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। और रिफॉर्म्स ऑफ 1990 को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ओके, तो दोनों याद रखिए, ये इनके अलग अलग नाम से भी। आगे देखिए, द वर्ड सेक्युलर वॉज एडिड टू द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सेक्युलर वर्ड जो था ये जोड़ा गया था प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन हूज कंसल्टेशन डज द प्रेसिडेंट कन्वेंस एंड प्रोरोग ऑल सेशन ऑफ पार्लियामेंट? प्रोरोग होता है स्थगित कर सकते हैं, किसकी सलाह से? ओके, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर स्थगित कर सकते हैं सेशन को? प्राइम मिनिस्टर की। नेक्स्ट है, द ऑपरेशनल पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान इज 2007 टू 2012, 2015 टू 20, 2012 टू 17 या 2005 टू 2010। तो 12th 5-year प्लान का जो ऑपरेशनल पीरियड था वो था 2012 से 2017। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या पंचायत। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कि सारी पावर्स जो है वो किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs? मतलब MP और MLA को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, किस एक्ट में है ये? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 62 या 32? तो देखिए, ये जो अमेंडमेंट है ये जो दल बदलते हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था, तो ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर पार्लियामेंट? इसे मतलब डिसाइड कौन करता है इसे? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन,
प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन या प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन? तो इसे डिसाइड करता है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन. ओके, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है G20 इज द ग्रुप ऑफ 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी रिप्रेजेंटेड बाय देयर प्राइम मिनिस्टर ओनली, फाइनेंस मिनिस्टर ओनली, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर या हेड ऑफ स्टेट. ठीक है, तो G20 को रिप्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. ओके, नेक्स्ट है All doubts and dispute in connection with election of the president are inquired into and decided by election commission, supreme court, parliament या president. तो जितने भी doubts होते हैं president की election से related उनकी inquiry कौन करता है? supreme court. okay, last question है the minimum age limit for the membership of the vidhan parishad is 21 year, 25 year, 30 years या 35 years. तो देखिए vidhan parishad के लिए पूछा है तो वो है 30 years. ठीक है, 30 ईयर्स जो है वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और विधान परिषद. ओके, दोनों के लिए ही 30 और लोकसभा और विधानसभा के लिए 25. ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक जरूर करें. थैंक यू.